हे एवरीवन, दिस इज रू, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं फिर से एक बार कुछ इमिग्रेशन अपडेट्स लेकर आया हूँ। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिसेंटली आयरलैंड के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ने अनाउंस किया है कि आपकी एक्सपायर्ड इमिग्रेशन परमिशन और IRP कार्ड को टेम्परेरी एक्सटेंशन मिल गया है अंटिल द 31st of May 2022 ड्यू टू द COVID-19। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अगर आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। ये कंडीशंस उनके ऊपर भी अप्लाई होती हैं जिनका वीज़ा और IRP कार्ड एक्सपायर होने वाला है फ्रॉम द 15th of January अंटिल द 31st of May 2022। ये टेम्परेरी एक्सटेंशंस मार्च 2020 से लेकर 8 times एक्सटेंड हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द COVID-19। जिस किसी एप्लीकेंट का भी वीज़ा एक्सपायर्ड हो गया है या होने वाला है या फिर उसने अपॉइंटमेंट GNIB में ले रखी है, मेक श्योर करें कि 31st May 2022 से पहले अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लें ताकि आपको फर्दर रहने की परमिशन दी जाए आयरलैंड में। ये टेम्परेरी एक्सटेंशन जो करी है मीन्स जिन किसी के पास भी मार्च 2020 तक वैलिड वीज़ा या परमिशन थी आयरलैंड में रहने के लिए, उनकी परमिशन ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दी गई है अंटिल द 31st of May 2022 इवन देयर IRP कार्ड्स और GNIB कार्ड्स हैज एक्सपायर्ड और दे आर वेटिंग फॉर द न्यू वन। जो भी एप्लीकेंट अपने न्यू IRP कार्ड की वेट कर रहे हैं, दे कैन स्टिल यूज देयर करंट और एक्सपायर्ड IRP कार्ड टू डिपार्ट और रिटर्न टू आयरलैंड ओवर द क्रिसमस एंड न्यू ईयर पीरियड अंटिल द 15th of January 2022। मीन्स अगर आपके पास अपना पुराना IRP कार्ड है और आप अपने न्यू IRP कार्ड की वेट कर रहे हो और आपके पासपोर्ट पे रिन्यू की स्टैंप लग चुकी है, तो आप अपना पुराना IRP कार्ड यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रैवलिंग अंटिल द 15th of January 2022। और जो भी एप्लीकेंट ट्रैवल करने की सोच रहा है बियॉन्ड द 15th of January 2022, उसको अपनी इमिग्रेशन परमिशन रिन्यू करवानी ही होगी और न्यू IRP कार्ड लेना होगा। अदरवाइज दे मस्ट सिक्योर री एंट्री वीज़ा बिफोर ट्रैवलिंग और रिटर्निंग टू आयरलैंड आफ्टर द 15th of January 2022। मीन्स अगर आपके पास एक्सपायर्ड IRP कार्ड है और आप अपने घर बैठे हो इन योर होम कंट्री, तो आपको आयरलैंड में वापस आना ही पड़ेगा बिफोर द 15th of January 2022। अगर आप नहीं आ पाते हो फॉर एनी काइंड ऑफ रीजंस बिफोर द 15th of January, तो आपको री एंट्री वीज़ा लेना ही पड़ेगा फ्रॉम योर होम कंट्री। यू हैव टू अप्लाई द री एंट्री वीज़ा फ्रॉम आयरिश VFS ऑफिस इन योर होम कंट्री। तो मैं तो आप सभी को यही बोलता हूँ कि अगर आप वापस आ सकते हो बिफोर द 15th of January, तो आप वापस आ जाइए आयरलैंड, नहीं तो हासिल ही रहेगी। VFS जाओ, वीज़ा अप्लाई करो, बाकी सबकी सर्कमस्टांसेस अलग अलग होती हैं एंड आई होप द बेस्ट फॉर द एवरीवन। और जो भी माइनर हैं, अंडर 18 हैं, डिपेंडेंट हैं, उनको भी अपने लीगली रेजिडेंस पेरेंट्स के साथ एक्सटेंशन मिल गई है अंटिल द 31st of May 2022। और जो डबलिन में GNIB ऑफिस है बर्ग की पे, वो ओपन हो चुका है, आप अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेकर अपना वीज़ा रिन्यू करा सकते हो। और जो भी डबलिन बेस्ड एप्लीकेंट है, मींस कि जो डबलिन में ही रहता है और उन्होंने अपना पासपोर्ट न्यू बनवाया है और वीज़ा रिन्यू करवाना है, तो आपने अपने पासपोर्ट की फ़ोटो बायोडाटा पेज की कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी है इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग द इमिग्रेशन ऑफिस। और जो भी आयरलैंड में न्यू आ रहा है और जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है इन द इमिग्रेशन ऑफिस, उनके लिए डिपार्टमेंट ने फ्री फ़ोन बुकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है इन January 2022। फर्दर डिटेल्स ऑफ फ्री फ़ोन सर्विस की आपको www.immigration.ie पर जाके ही मिलेगी जब वो सर्विस शुरू होगी इन अर्ली नेक्स्ट ईयर। और जो जो एप्लीकेंट डबलिन के बाहर रहते हैं, वो अपने लोकल काउंटी के इमिग्रेशन ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेकर अपना वीज़ा रिन्यू करा सकते हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। और जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, होपफुली आपको हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि मैं खुद इन चक्रों से गुजरा हूँ, द वीज़ास एंड ऑल द इमिग्रेशन एंड ऑल। अभी कुछ ही सालों पहले मेरा पीछा छूटा है, तो आई होप द बेस्ट फॉर एवरीवन। तो जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं यूं ही आपके लिए इमिग्रेशन अपडेट्स लेके आता रहूँगा।
तो आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ कहीं भी रहें हमसे मिलते रहें। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।